ऑथेंटिक दिल्ली स्टाइल के छोले भटूरे, राजमा चावल, कढ़ी चावल, ये सब आपको मिलने वाला है सिर्फ नागपाल में, जो कि अभी मुंबई में भी लोकेट करता है। तो इसका टेस्ट कैसा है वो अभी चेक करते हैं। हेलो गाइज, व्हाट्स अप, दिस इज मी योर बॉय सैम। वेलकम बैक टू माई चैनल सैम ऑन डिमांड। एज ऑलवेज से गुड फूड मेक्स गुड मूड। तो आज मैं आपके लिए दिल्ली के छोले भटूरे, चुरचुर नान, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा प्लेटर, इसमें हम लोग को मिलने वाला है पालक पनीर, दाल मखनी, शाही पनीर, राजमा चावल है, कढ़ी चावल यहाँ पे मिलेगा आपको, छोले पंजाबी छोले है, ऊपर से ये पिकल, लाइक ये सब आपको इतना पूरा स्प्रेड मिल रहा है सिर्फ नागपाल में। और मतलब दिल्ली का स्पेशल रहता है ये सब। और दिल्ली का नाम लिया तो लस्सी उसका हक बनता है, मतलब काके की दी लस्सी, मतलब नागपाल की लस्सी, ये काफ़ी फेमस भी है। सो विल स्टार्ट विद दिस। थिकनेस और रिचनेस ये आपको लस्सी में मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा चिल्ड है। सो वर्ल्ड कप देखने आओ यहाँ पे नागपाल में, और यहाँ पे आके चिल करो और ऐसे खाओ। सो सबसे पहले विल स्टार्ट विद दिस छोले भटूरे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये छोले भटूरे है गाइस, भटूरे का साइज़ देखो, मुँह से बड़ा है। तो ये छोले भटूरे, उसके साथ ये दिल्ली स्टाइल छोले, बट उसके अंदर पनीर भी है। जो मैं बोल रहा हूँ, क्रीमी टेक्सचर भटूरे के अंदर, ये देखो मतलब फ्लेवर आपको क्या पता चलेगा, ये देखो भटूरे के अंदर भी पनीर है, धनिया है, सब कुछ है, मतलब चीर फाड़ हो गया है इसका, बट क्वालिटी है भटूरे का मतलब। और ये दिल्ली स्टाइल के भटूरे है, तो उसके साथ बोलते ना ये स्टाइल है दिल्ली की, चटनी, प्याज ऐसे ऊपर रखो, ये बाइट लो, और उसके बाद ये मिर्ची का अचार, हाँ, विराट कोहली तक को पसंद है छोले भटूरे, तो सपोर्ट करो इंडिया को, टीम इंडिया को, विराट कोहली को, सबको, और ऐसे छोले भटूरे का मज़ा लो, आनंद लेना है तो यहाँ पे आना पड़ेगा आपको। सो नेक्स्ट आइटम, हियर वी हैव दिस कुलचा। कुलचा नहीं है ये, चुरचुर नान है, और ये देखो ये भी स्टफ्ड है। अरे ये लोग का स्पेशलिटी क्या है नागपाल का, हर एक आइटम स्टफ्ड है, पनीर, बटर, और सबसे ज़्यादा क्या, प्यार, प्यार से भरा पड़ा है, मतलब ये इतना टेम्पटिंग दिखने के लिए। सो विल स्टार्ट विद दिस राजमा, चुरचुर नान और उसके साथ राजमा। राजमा काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है, बट उससे ज़्यादा बेस्ट मैं बोलूँ तो ये चुरचुर नान है। आप अगर ये बाइट करोगे ना खाली ऐसे ही, इसके बाद आपने कुछ भी नहीं मंगाया तो भी चलेगा, ये खाने के बाद आपको ऐसा फील होगा मंत्रमुग्ध हो जाओगे आप। जितना हेवी वर्ड मेरे दिमाग में आया, क्योंकि ये इतना हेवी आइटम है टेस्ट में, कड़क है कड़क। तो आप अलग अलग मेरे से यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। आपको अगर राइस के साथ अच्छा लगता है तो आप कढ़ी चावल मंगाओ, राजमा चावल मंगा सकते हैं, दाल मखनी विद राइस मंगा सकते हैं। तो ये दाल मखनी का टेस्ट देखते हैं, मतलब दिल्ली की काफ़ी ज़्यादा फेमस रहती है। बटरी, क्रीमीएस्ट दाल मखनी आई मस्ट से, ये मुंबई का लोकल दाल मखनी नहीं है, मेक श्योर दैट करो। इसमें आपको एक ऐसा बोलते ना जीरा का तड़का भर भर के मिलने वाला, और उसमें बटरी फ्लेवर, स्मूथ है स्मूथ। तो हर एक आइटम आपको मैं खाते नहीं, मतलब चुरचुर नान के साथ नहीं बताऊंगा खा के, बट ग्रेवी का टेस्ट कैसा है, टेक्सचर कैसा है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको टमाटो बोलते ना, टोमेटो का ग्रेवी का फील, और मेरे हिसाब से दिल्ली के खाने का बेस्ट पार्ट क्या है कि वो लोग का जो ग्रेवी रहता है वो बहुत स्मूथ रहता है, रिच रहता है, तो वो मुझे अच्छा लगा। और ये है छोले पंजाबी वाले, और एक आके मतलब मोहब्बत वाले ये मोहब्बत वाले, मतलब मैं जेनरली बोलता हूँ जितना टेस्ट में ये अच्छा है, और जितना लस्सी ऐसा टेस्ट में अच्छा था पंजाबी लोग के लिए, मतलब आप पंजाबी वाले छोले मंगाओ, ये चुरचुर नान मंगाओ, और उसके साथ लस्सी मंगाओ, तो आप ये कॉम्बो में मंगा सकते हो, और
आपको मेरे साथ ऐसा प्लेटर खाना है, हर एक नॉर्थ का जो हर एक फ्लेवर आपको चाहिए एक डिश में, तो ये भी आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे आके बताना है, हम लोग सैम ऑन डिमांड के पेज पे हम लोग ने देखा है चैनल पे, तो उनको आपने जैसे प्लेटर बना के जैसा आप वैसा बना के दो, तो आपको वो अफोर्डेबल रेट में बना के दे देंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, फेसबुक पे भी फॉलो करो, ताकि आपसे ऐसे फ्लेवरफुल वीडियोस और कैफेज मिस ना हो। तो अभी हमें खत्म करूँगा, टिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर, कीप लविंग एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। दिस इज मी योर बॉय सैम साइनिंग आउट।